साहेब ठाकरे ने अपने जीवन का सफर एक कार्टूनिस्ट के रूप में शुरू किया था। पहले वे अंग्रेजी अखबारों के लिए कार्टून बनाते थे, लेकिन बाद में भारत के महाराष्ट्र प्रदेश के प्रसिद्ध राजनेता बने, जिन्होंने शिवसेना के नाम से एक प्रखर हिंदू राष्ट्रवादी दल का गठन किया था। अब इन्हीं के जिंदगी पर आधारित एल्बम लॉन्च की जा रही है, जिसका नाम है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे रखा गया है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब ये ऑफर श्री रवि जी लेकर आए हमारे पास, कि बाला साहब ठाकरे का ये एक उनके जीवन पे आधारित एक एल्बम निकालना है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं जिनके राज्य में रह रहा हूँ, मुंबई में, इनके छत्र छाया में, तो मेरी हार्दिक इच्छा भी थी कि इनका एक एल्बम निकाला जाए। और इनके जीवन में बहुत इन्होंने जो कार्य किया उसका विवरण किया जाए, तो यही है। मैं संगीत देकर बड़ा आभारी रहा इनका और बड़ा प्रसन्न रहा। जो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि बाला साहब ठाकरे के ऊपर जो ये गाना बना, ये एल्बम बना, उसका मुझे संगीत देना पड़ा, मुझे बहुत हार्टली हार्दिक खुशी हुई, और मैं क्या कह सकता हूँ। मैं एक प्रोडक्शन और आर के मित्र सर के साथ मैंने आज पहली बार काम किया है, तो मुझको खुशी है कि मेरे को ये बाला साहेब ठाकरे हृदय सम्राट इस गाने में रोल मिला, पहला ही रोल है मेरा, इसलिए मेरे को मैं सर का शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाकी तो बाला साहेब ठाकरे जो आपके सबके दिल में है, इसलिए तो उनका नाम रखा गया है कि हृदय सम्राट, हृदय सम्राट इसलिए तो नाम रखा गया है। क्या उम्मीद लग रही है आपको, आपका भी पहला पड़ाव है? और मेरे को उम्मीद है कि मेरा गाना हिट जाएगा, सबको पसंद भी आएगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। मेरे को क्या लग रहा है, आपके साथ जो टीम जुड़ी है, आपके साथ जो सीनियर लोग लिखते हैं, उनसे आप क्या अपेक्षा लग रहा है? अपेक्षा ये है कि मुझे सबको लेके आगे, मतलब गाना सबको अच्छा लगेगा ही, ऐसे मेरी उम्मीद है। मित्र साहब से जानना चाहेंगे, आपके साथ टीम जुड़ी है, नहीं जुड़ी है, खास करके आपने एक बहुत बड़ा नाम है जिसे बाला साहेब ठाकरे कहते हैं, उनको आपने एक आइडियल बना के इसको लॉन्च किया, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, नहीं, ये गाना बहुत अच्छा है और ये बाला साहब जी के ऊपर बनाया गया है कि उनकी पूरी स्टोरी की जानकारी दी गई है, शुरू से आखिर तक उन्होंने क्या किया है। क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें बता सकते गाने के माध्यम से? हाँ, तो जैसे अपना शिवसेना के अपने चार अक्षर है कि किसी भी पार्टी के चार अक्षर नहीं है, और जैसे अपने अंतरा शुरू में आया है शिवसेना के चार अक्षर, जैसे चारों धाम दयावान बाला साहब जी को सत सत हमारा पढ़ना। मतलब मैं ये एल्बम करते हुए मतलब मुझे बहुत खुशी महसूस हुई है, क्योंकि मतलब मैंने सपने में भी सोचा नहीं था कि मतलब बाला साहेब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट में मुझे काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन जैसे मैं ऑडिशन देने के लिए गया था, लेकिन सर ने मुझे सिलेक्ट कर लिया, तो इसलिए सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस एल्बम में काम करने का मौका मिला। अभी जैसे ये एल्बम लॉन्च हुआ है, अभी मुझे तो पूरा यकीन है कि पूरा मतलब भारत के सभी लोगों को ये एल्बम बहुत पसंद आएगा। उसी हिसाब से अगर मतलब मेरी जो टैलेंट देखा है उन्होंने सर ने, आगे यही उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अच्छे से अच्छे एल्बम बनाते जाए और शूटिंग में मुझे मतलब मौका मिले काम करने को। जाता है कि एक अच्छे काम के लिए सोचा नहीं जाता, किया जाता है। कुछ ऐसे ही उदाहरण यहाँ देखने को मिला, जहाँ बाला साहेब ठाकरे की जिंदगी पर एक गाना पेश किया गया। वहीं इस खास मौके पर बाला साहेब ठाकरे के याद में इस एल्बम की टीम ने कुछ खास बोल बोले। एक अच्छे काम के लिए सोचा नहीं जाता, सिर्फ किया जाता है बस। अपनी टीम के बारे में क्या कहेंगे, ऐसे ऐसे अच्छे लोग भी जुड़े हैं? नहीं, अपनी टीम बहुत अच्छी है, राइटर जी भी बहुत अच्छे हैं, और अपने म्यूजिक डायरेक्टर भी अपने अच्छे हैं, जो अपने आर्टिस्ट है सब ने बहुत मेहनत किया है और बहुत अच्छा एक काम हुआ है अपना। उनको तहे दिल से शुक्रिया देना चाहता हूँ, जिन्होंने ये मुझे ये मौका दिया कि बाला साहेब के ऊपर एक लोकगीत बनाया जाए, श्रीयुत रवि कुमार मित्तल जी का। शेर थे वो इस दुनिया के, रह गई यादें सर जमी पे, खल रहा है वो वक्त उनकी आज कमी पे। सूरज बन के सूरज साहब जन्म जन्म लिया था, सुनी थी लोगों की हा करे, रही हिंद की धारा पे जिनकी सदा अनोखी धा करे, वो थे हिंदी हृदय सम्राट बाला साहेब जी ठाकरे, बाला साहेब जी ठाकरे। शेरे दिल शेरे हिंदुस्तान बाला साहब थे,
शेरे दिल शेरे हिंदुस्तान बाला साहब थे और सब कहते हैं भगवान बाला साहब थे। इस एल्बम को बनाने में सिर्फ बड़ों का ही नहीं बच्चों का भी काफी योगदान रहा। महक प्रोडक्शन में काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार महक प्रोडक्शन में काम किया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। सर बहुत अच्छा लग रहा है। बाला साहब ठाकरे मेरे दिल में, बाला साहब ठाकरे मैं बाला साहब ठाकरे को बहुत अच्छा लगता हूँ। पहली बार मतलब महक में आई है तो सर ने हमें ये मौका दिया है कि बाला साहब ठाकरे में हम काम करें। हम खुशकिस्मत है कि बाला साहब ठाकरे के इसमें शिफ्ट हुआ है, तो मिता सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हाँ, मेरी दो लड़की भी हैं और मंगल में जो काम किया है मेरा भाई है, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि बाला साहब जी के गाने में हमारे बच्चों को, मेरे भाई को रोल करने का मौका मिला। और मित्र सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद।